तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरे पास गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड में कितने रिवॉर्ड्स हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे सर्वे आए हैं और मैंने एक इलीगल तरीके से इतने सारे रिवॉर्ड्स करे हैं। 135 यूरो मेरे पास है, मतलब इसके इंडियन में कन्वर्ट करें तो मतलब 8,000 रुपये से ऊपर ही होगा। तो गाइज मैंने ये कैसे किया और इतने सारे कैसे मैंने जमा किए पैसे और मैं इसके कितने सारे रिडीम कोड बना सकता हूँ, तो सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज वीडियो पूरी देखें और एक भी स्टेप मिस ना करें। और हाँ गाइज, ऐसी और अमेजिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, रिडीम कोड्स एंड फ्री फायर के ऊपर। तो अगर आपको भी ये चीज़ करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे कौन नई वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अनलिमिटेड रिडीम कोड ले सकते हो और बहुत सारे पैसे आप गेम में डाल सकते हो। तो गाइज़ इसके लिए क्या करना है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए आपको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। गाइज ये एकदम वर्किंग ट्रिक है और इससे आप चाहे कितने भी रिडीम कोड ले सकते हो। यहाँ पर मैंने भी बहुत सारे रिडीम कोड इसी ट्रिक से लिए जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी स्टेप बताऊँगा, तो आपको सभी स्टेप फॉलो करने, शायद आप इसे इलीगल ट्रिक कह सकते हो, क्योंकि इससे आप थोड़े ज़्यादा ही अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज़ क्या करना है आपको, मैं सभी स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको आपके पास जो भी एप्लीकेशन है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड ओल्ड वाली एप्लीकेशन, तो उसे आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले फिर से प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर इसे फिर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इधर आ चुका हूँ, अब यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड, फिर से सर्च करके इसे इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिलीट करके रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंस्टॉल करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, इसे सीधा ओपन नहीं करना, यहाँ पर कुछ आपको स्टेप भी फॉलो करने हैं इसके बाद। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक VPN की लिंक दे दी है, तो आपको सिंपली वो वाला VPN इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। यहाँ पर ओपन ऑप्शन आ रहा है, पर आपको यहाँ पर सीधा इसे ओपन नहीं कर देना। आपको एक मैंने यहाँ पर VPN की लिंक दे रखी है, आप कोई भी VPN कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिक्योर VPN, क्योंकि ये थोड़ा बेटर होता है और इससे आप अच्छी लोकेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है सिक्योर VPN वाले ऑप्शन पे एंड वहाँ जाकर आपको इसे कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करते ही आपका ये काम मोस्ट ऑफ तो चीज़ यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग कनेक्शन स्पीड ऐसा करके आ रहा है। तो यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पर दबा देना है। यहाँ पर शायद थोड़ी देर लग सकती है या फिर कोई ऐड भी आ सकती है, तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली ऐड स्किप कर देनी है। इसके बाद आपको चले जाना है मेन मेनू पे और यहाँ पर आपको सिंपली ओपन कर देना है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड वाली एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने ये वाली एप्लीकेशन ओपन कर ली। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ईमेल मांगेगा, तो आपको कोई भी अपनी ईमेल दे देनी है, मतलब न्यू ईमेल देनी है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ओल्ड वाली दे दोगे तो चलेगा, यहाँ पर आपको न्यू वाली ईमेल बनानी है, न्यू अकाउंट ही बनाना है, सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो बस इतना करना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शायद आपको नीचे ऐसा दिख कर आ जाएगा लोकेशन हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको नो थैंक्स पे दबा देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी आपने VPN ऑन किया तो यहाँ पर आपको ओल्ड वाली वो दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑन नहीं करनी है, नो थैंक्स पे दबा देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने ये ऐसा कुछ आ गया है, तो यहाँ पर आपका नया सर्वे भी आ गया है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर न्यू सर्वे अवेलेबल एक्सपायर इन 23 ईयर्स यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो आपको सिंपली आंसर सर्वे पे दबा देना है। गाइज ये वाले सर्वे पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सर्वे और नेक्स्ट सभी सर्वे आपका इस पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप इस पे कौन कौन से आंसर देते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सभी आंसर यहाँ पर आपको लाइन में दिखा देता हूँ क्या क्या है इसके आंसर।
तो यहाँ पर सबसे पहला ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर आपको सही सही से आंसर दे देना है। यहाँ पर मैं आपको जो जो बताऊँ वो सब के आंसर आपको यहाँ पर देना है, तो ये आपका बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ डिज़र्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुकीज़ पे दबा देना है केक्स, या फिर आप कोई भी दबा सकते हो। यहाँ पर कुकीज़ या फिर केक दोनों में से ही आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं आपको कुकीज़ कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही है। इसके बाद यहाँ पर है, व्हेन डू यू यूजली ईट डिज़र्ट, मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको आफ्टरनून वाला ऑप्शन पे दबा देना है, बस इतना करना है। इसके बाद क्या करना है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या थोड़ा लंबा है तो गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको कुकीज़ वाला ऑप्शन पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। इतना होते ही शायद आपको यहाँ पर पैसे तो नहीं मिले, यहाँ पर शायद मैं कह रहा हूँ आपको मिल भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, नॉट ऑल सर्वे अर्न मनी, मतलब सभी सर्वे से पैसे नहीं मिलते, ये सिर्फ आपका ट्रायल था और ये चेक करने के लिए था कि आप रियल आंसर देते हो या फिर नहीं। तो मैंने जो जो आंसर बताया आपको वो आंसर कर देना है, बस इतना ही है गाइस। इसके बाद यहाँ पर आपका अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्न मोर रिवॉर्ड्स, मतलब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल भी सेट कर देनी है। अभी तो मैं आपको प्रोफाइल सेट करके नहीं दिखा रहा, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, बस आपको फ्रांस पे कर देना है, इसके बाद लैंग्वेज फ्रेंच एंड इंग्लिश, इसके बाद आपको कंप्लीट दबा देना है। बस इसके बाद आपकी प्रोफाइल एकदम सेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास पिन कोड भी मांग सकता है, तो पिन कोड अगर मांगेगा तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर पिन कोड की अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के बना कर दिखा दूंगा कि पिन कोड वाला क्या यहाँ पर चीज़ है, मतलब क्या सीन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी रिवॉर्ड, यहाँ पर रिवॉर्ड हिस्ट्री में तो अभी एक भी नहीं है। हमने अभी एक सर्वे किया पर उसमें तो कुछ हमें अर्निंग नहीं हुई। तो गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मेरी कितनी अर्निंग हुई। मतलब गाइज़ क्या करना है, अगर आपके पास सर्वे आता है, हाँ मेन चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया क्या, यहाँ पर जब भी आपके पास सर्वे आता है तो आपको ये सिक्योर वीपीएन ओपन कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये वाली एप्लीकेशन ऑन करनी है। हाँ गाइज़ ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, जब भी आप ओपिनियन रिवॉर्ड ओपन करो तो उससे पहले ये सिक्योर वीपीएन आपको ऑन कर देना है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो गाइज़ ये चीज़ आप भूलिए मत। तो गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और एंड आई होप आप भी अर्निंग करें, बहुत सारे रिडीम कोड्स बनाएं। तो गाइज़ मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।